नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ पिया गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष का सच में। आप सभी जानते हैं कि हर एपिसोड होता है खास, क्योंकि बात करते हैं ज्योतिष के हर एक पहलू के बारे में। आज आप सभी को हमने कल ही बताया था कि बात करेंगे आप ही की समस्याओं के बारे में, आप ही के सवालों के बारे में। अगर ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं अपनी परेशानियों से हटकर, जो भी बातें अभी तक हमने इन पिछले 10 दिनों में की हैं उससे संबंधित अगर कोई भी सवाल आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्यों, इसके पीछे तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या है, तो आज आप हमें कॉल कर सकते हैं और ज्योतिष का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये सारी जानकारी आज आप सभी को फिर से देने वाले हैं आईजे कपानी जी। आईजे कपानी जी के बारे में आप सभी को पता है कि इन्होंने ज्योतिष के बारे में गहन अध्ययन किया है, ज्योतिष को इन्होंने करीब से जाना है, समझा है, हर एक पहलू को समझा है कि ज्योतिष क्या है, किस तरीके से अपना कार्य करता है, क्यों हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं तो उसके पीछे कारण क्या होते हैं, ये हमें भ्रम से, भ्रांतियों से निकालने का काम कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हम ज्योतिष को कैसे, किस तरीके से सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले आज फिर से करते हैं कपानी जी का स्वागत और संपूर्ण ज्ञान आज फिर से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार कपानी जी, जब बात कर रहे हैं यहाँ पे आज हम ज्योतिष के बारे में, शायद इस सवाल को मैंने आज तक आपसे कभी नहीं पूछा होगा, बात करना चाहूंगी आज राजयोगों के बारे में, सुखों के बारे में। अक्सर जब हम अपनी कुंडली को दिखाते हैं तो वहां पे हमें ये बता दिया जाता है कि भाई हमारी कुंडली में तो राजयोग है, लेकिन वो राजयोग अभी नहीं, वो समय शुरू होगा सपोज 2016 से, अगस्त 2016 से वो शुभ समय आने वाला है। जैसे तैसे करके परेशानियों से जूझ के हम समय निकाल लेते हैं। जैसे 2016 आता है, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया, फिर कुंडली दिखाते हैं, फिर कहते हैं भाई हम तो इंतजार कर रहे थे, हम तो आज भी वैसे ही हैं जैसे हम कल थे, क्यों नहीं आया वो सब में, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत खूब। ऐसा है कि मेरी इस किताब के तीसरे भाग में राजयोग के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया। राजयोग का अर्थ राजा बनना नहीं होता। राजयोग ये होता है कि जब उच्च ग्रह सही स्थान पे कुंडली में आपको सपोर्ट करते हैं, केंद्र सपोर्ट करता है, तो नेचुरली आपका भाग्य अच्छा होता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। पिछले एक एपिसोड में मैंने मंगल के बारे में बताया था, साथ ही साथ मैंने ये बताया था कि जब सूर्य और बुध युति के हिसाब से मिलते हैं तो भी मंगल होता है। इसका अर्थ क्या है? दो मंगल हो गए, एक तो मंगल है और दूसरा नकली मंगल है। जो नकली मंगल है, युति बना के सूर्य बुध की बना है, वो कभी भी बुरे फल नहीं देता, और मंगल राजा होता है, ये मैं अपने एपिसोड में बता चुका हूं। तो जब दो मंगल एक साथ आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फर्ज करिए कि मंगल लगन में है और सूर्य बुध दशम में है, तो अपने आप कुंडली राजयोग की हो गई। जो लोग ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहला, सातवां, चौथा और दसवां घर, इसको केंद्र के ग्रह बोलते हैं। लाल किताब में इसको बंद मुट्ठी के खाने बोलता है। लाल किताब में मोटे तौर पे घरों के लिए खाने शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो बंद मुट्ठी के ग्रह जो हैं, ये आदमी का मेन भविष्य तय करते हैं। अगर किसी की कुंडली में चारों घर 1, 7, 4 और 10 उनमें कोई ना कोई ग्रह है, खाली नहीं है और वो सपोर्टिंग है, तो आदमी निश्चित राजयोग से गुजरता है। इसी तरीके से इसके बाद 1, 7, 4, 10 के बाद 2, 8, 6 और 12 ये जो घर हैं, ये बीमारी, तकलीफ, परेशानियां और मृत्यु के हैं। यहां नीच ग्रह हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो आदमी को तकलीफ होती है, और अगर
यहां के ग्रह भी सपोर्ट करते हैं तो आदमी को राजयोग हो सकता है। मेन तकलीफ जो है जिंदगी में आदमी को परेशानियां किस चीज से होती हैं, या तो उसको जीवन यापन जो है उसमें कठिनाई है, पैसे की कमी है, रिसोर्स की कमी है, किसी को परिवार की कमी है, किसी को धन की कमी है, किसी को शरीर की कमी है। तकलीफें जो हैं ये विभिन्न विभिन्न हैं, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक। इन तकलीफों को समाप्त करें तो पहले मैंने जैसे कहा था कि आप पहले ये बताएं, ये कुंडली में विश्लेषण करें कि तकलीफ क्या है। एक व्यक्ति आता है कि साहब मेरे को हमेशा सर्दी का प्रकोप रहता है, मेरे को हमेशा पानी से डर लगता है, बड़ी जल्दी जल्दी सर्दी को आम होता है, छाती में प्रॉब्लम हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। तो आप ये विश्लेषण करेंगे कि ये तकलीफ किस ग्रह के कारण है। अगर चंद्र कमजोर है, हर ग्रह की तीन परिस्थितियां होती हैं, जैसे मनुष्य के जीवन के तीन काल हैं, बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था, तो एक से दस डिग्री तक बल्कि आठ डिग्री तक कोई भी ग्रह जो है वो बाल्यावस्था में होता है, और आठ से चौबीस तक वो युवावस्था में होता है, और चौबीस से तीस वो वृद्धावस्था में होता है। वात, पित्त और रोग, ये तीन बीमारियों के कारण हैं। तो शरीर में जो है शीत जो है वो चंद्र से होती है, पानी से होती है। अगर अष्टम घर में चंद्रमा आठ डिग्री से कम का है तो पैदा होते ही बच्चे को शीत का प्रकोप सहन करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग बच्चे के गले में चांदी का चंद्रमा बना के पहना देते थे, उसका अर्थ यह था कि वो चंद्र को बल दे के मजबूत करते थे। आठवें घर का ग्रह मृत्यु देता है, ये मैंने कल भी बताया था, पर अगर आठवें घर में गुरु हो तो मृत्यु टलती है। यहां तक कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी कमरे में बैठा है और उसमें रोगी मृत्यु शैया पे है, तो जब तक वो सामने है जिसका आठवें घर में गुरु है, रोगी के प्राण नहीं निकलेंगे। ये व्यक्ति अगर पानी पीने चला जाए, उठ के बाथरूम चले जाए, किसी और काम से कमरा छोड़ के चला जाए, तभी प्राण निकलेंगे, नहीं तो जब तक आठवें घर में गुरु वाला आदमी और वो भी 10 डिग्री से ज्यादा का हो तो सामने वाले के प्राण नहीं निकलेंगे। आठवें घर में सूर्य भी मृत्यु हरता है, और आठवें घर में चंद्र अगर कम डिग्री का हो तो बीमारियां देता है और उससे मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अगर 8 से 15 डिग्री तक, 20 डिग्री तक, 22 डिग्री तक भी चंद्रमा है तो यह भी मृत्यु हरता है, यह मृत्यु का कारक नहीं हो सकता। आठवां घर तो मृत्यु का कारक है, लेकिन सातवें घर के ग्रह मृत्यु का कारक है, और मृत्यु तब आएगी जब दूसरा घर से उसको आने का सिग्नल मिलेगा। दूसरा घर दरवाजा है आठवें घर का, तो दूसरे घर में अगर कोई ऐसा ग्रह है, सूर्य देख रहा है उस वक्त, गुरु देख रहा है उस वक्त, या और किसी कारण से रुक रहा है, तो वो समय उसके मृत्यु का नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि सबसे कंट्रोवर्शियल मेरे साथ जो चीज है वो गुरु को लेकर के है, घर में भगवान रखने को लेकर के है। हजारों बार मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ा लोगों को कि घर में भगवान रखना गलत है। आप देखेंगे दसवां घर शनि का घर है और चौथा घर चंद्र का घर है। अगर चंद्र की दृष्टि शनि पर है, चौथे घर में चंद्रमा है और दसवें घर में गुरु है, तो आदमी को फांसी तक की सजा हो सकती है जब तक वो भगवान की पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, सोना पहनता है, धर्म के काम करता है, दान पुण्य करता है, घर में गुरु को स्थापित करता है। एक दो चार नहीं, कम से कम 25,000 लोगों पे ये हमने आजमाया है।
अब बात आती थी दूसरी, बारहवें घर में अगर सूर्य हो और छठे घर में शनि हो तो सूर्य शनि का अपोजिशन होता है, इसमें शैया सुख नहीं मिलता। अगर ये आदमी की कुंडली में है तो उसको पत्नी का सुख नहीं होगा, वो बार बार शादी करेगा तो भी पत्नी मर जाएगी, छोड़ के चली जाएगी या शैया पे रहेगी, उसको शैया सुख नहीं होगा। और अगर औरत के है तो उसको पति का सुख नहीं मिलेगा। आप इसको आजमाइए, बार बार इसको सजेस्ट करिए। तो इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए आपको यह चाहिए कि वहां का सूर्य किसी दूसरे घर में ले जाए। जब हम ग्रहों का उपचार करते हैं तो हम ग्रह का घर बदल देते हैं। आप कहेंगे बड़ी विचित्र बात करता है, यह तो हमने आज तक सुनी नहीं। आपके कमरे में लाल रंग का बल्ब जल रहा है तो कमरे में प्रकाश किस रंग का होगा? लाल रंग का। आपने लाल रंग का बल्ब उतार के वहां नीला रंग लगा दिया तो प्रकाश नीला हो गया, कमरे का वातावरण बदल गया, आपने पूरा ग्रह बदल दिया। इसी तरीके से हर घर के लिए उसका स्थान मुकर्रर है। गले में जो भी चीज आप पहनते हैं वो एक नंबर घर, जिसको आप लगन कहते हैं, उसमें आ जाती है। अगर आपने गुरु को लगन में पहुंचाना है तो गले में सोना पहनिए। सोना नहीं पहन सकते तो रेशमी पीला धागा पहनिए, माथे पे पीला तिलक लगाइए। और बारहवें घर में अगर पहुंचाना है तो घर की छत पे जो भी चीज रखेंगे वो बारहवें घर में चली जाएगी। शनि बारहवें घर में बहुत उचित फल देता है। गुरु बारहवें घर में तब होता है जब व्यक्ति का आखिरी जन्म होता है। जो कुछ पिछले जन्मों का उसने कमाया है या गवाया है उसको सब हिसाब बराबर करना पड़ता है, और आम तौर पे ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। पर वो चाहे तो वो इस गुरु को बदल सकता है। बारहवें घर में सूर्य अपने स्वयं के घर में होता है, इसलिए ये हमेशा अच्छे ही फल देता है, बुरे फल नहीं देता। बारहवें घर में मंगल सबसे बुरे फल देता है। अगर बारहवें घर में मंगल है या राहु है तो कभी भी मनुष्य को राजयोग नहीं हो सकता। देखना यह है कि राजयोग के लिए कौन से ग्रह कहां व्यवस्थित हो तो उसको राजयोग हो। मंगल हो तो आदमी हमेशा फसादी होगा, बीमार रहेगा, झगड़ों में पड़ा रहेगा, सारी उम्र परेशान रहेगा, या रक्त संबंधित उसको बीमारियां होगी। मंगल के से संबंधित जो उसके भाई बंध होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनसे हमेशा उसके झगड़े होंगे। तो मैंने शायद इसका आपको सीधा इलाज बताया था कि मंगल का इलाज ये की है कि आप लाल सुर्ख बड़कीला लाल रंग से परहेज करें, सवेरे उठते ही गुड़ खा लें सबसे पहला काम ये करें, और कभी कभी या हमेशा जब तक कमजोर नहीं हो जाता उगते हुए सूर्य को पानी में गुड़ घोल कर जल चढ़ाएं तो आपका मंगल टेम हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह परिस्थितियां बदल जाएंगी। अगर किसी कुंडली में मंगल दोष भी है और शादी हो गई है, बारहवें घर में मंगल है, पति पत्नी में तनाव है, तो आप ये उपाय करके देखिए, घर में पूरी तरह से शांति हो जाएगी। सप्तम घर में अगर राहु है, जन्मस्थ है, तो ऐसा व्यक्ति 36 से 42 साल की उम्र तक फुटबॉल बना रहता है, कभी भी स्थिर नहीं होता। उसके लिए 28 साल की आयु तक अलग उपाय है और 28 के बाद अलग उपाय है। पर एक बात निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके सप्तम स्थान पर राहु है, कभी भी कुत्ता नहीं पालना चाहिए, ना कुत्ते को रोटी देना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल में जब राहु खराब हो तो नीले बैंगनी जामनी रंग से परहेज करना चाहिए। घर की छत, सीढ़ियां और टॉयलेट साफ रखना चाहिए और खाना रसोई घर में खाना चाहिए। राहु कोई भी किसी भी हालत में कभी भी गोचर में या निश्चित ग्रहों में बुरे फल दे रहा है तो उससे उसको आराम मिलेगा। राहु अष्टम में है तो आदमी की अचानक मृत्यु होगी। आपने कई बार देखा होगा कि मिनट में नहीं लगते, 5 मिनट में फैसला हो जाता है। ये अष्टम घर में राहु का काल है, और अगर अष्टम में उसका अपोनेंट केतु हो तो आदमी मरता ही नहीं है।
बरसों तक बिस्तर पे पड़ा रहता है, वो दुआ करता है ईश्वर से कि भगवान उसको मृत्यु दे। जो उसकी देखभाल करते हैं वो भगवान को कहते हैं हमसे इनका कष्ट देखा जाता, भगवान इसको उठा ले, पर वो मरता नहीं है, वो सड़ता रहता है सड़ता रहता है, जब तक एक भी ग्रह उसका चलित है उसको मृत्यु नहीं मिलेगी। बहुत लंबे समय तक वो जो है बिस्तर पे रहेगा, बीमारियों से ग्रस्त रहेगा। ये केतु का फल है। इसलिए जब राहु का अगर उपाय कर लेता है तो उसको उसमें आराम मिलेगा, केतु है तो केतु का उपाय कर लेगा तो वो कम से कम कई साल तक बीमारी से सड़े गलेगा नहीं। मंगल होगा अगर अष्टम में तो उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से हो सकती है, गोली से हो सकती है, चाकू लग के छुरा लग के हो सकती है, या किसी भी तरीके से रक्त संबंधित बीमारी से हो सकती है, कैंसर से हो सकती है, जो भी रक्त संबंधित बीमारियां हैं उसको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होगी। लेकिन अगर वक्त रहते वो मंगल का इलाज कर लेता है तो मृत्यु तो निश्चित है जब उसका काल है आएगा, पर वो इन कष्टों से बच जाएगा। सप्तम स्थान परिवार का स्थान है, गृहस्थ का स्थान है, पत्नी या पति का स्थान है, कर्म का स्थान है, मित्रता का स्थान है। सप्तम स्थान में गुरु कभी भी शुभ फल नहीं देता। सप्तम स्थान में अगर बृहस्पति है तो व्यक्ति को संतान नहीं होगी, संतान से मतलब बेटा नहीं होगा, और अगर बेटा हुआ तो जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जाएगा वो घर को बर्बाद करता चला जाएगा। ऐसा व्यक्ति मंदिर जा सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, पर घर में भगवान नहीं रख सकता और कपड़े का कभी दान नहीं कर सकता। पंचम स्थान पे अगर राहु है तो संतान योग नहीं होता। पंचम स्थान पे अगर शनि है तो संतान योग नहीं होता। आपको मैंने बताया था अभी शुरू में कि नकली ग्रह भी होते हैं, सूर्य और शनि नकली राहु बनाते हैं, मंगल और शनि नकली राहु बनाते हैं। अगर ये भी सप्तम स्थान में इनमें से भी कोई हो तो संतान नहीं होती है। चंद्र और शनि भी नकली केतु बनाते हैं। तो इस सिलसिले में अगर आप एक ग्रह को उससे अलग कर दें, उसका घर बदल दें तो संतान हो जाएगी। मेरे पास ऐसा केस भी है जहां 19 साल के बाद महिला को संतान हुई। एक केस में फ्लोपियन ट्यूब्स डैमेज थी, डॉक्टरों ने कहा पॉसिबल ही नहीं है मेडिकल साइंस में कि इनको गर्भ निर्धारण हो जाए, पर आज उनके 16-18 साल के दो जुड़वा बच्चे हैं। ये 94-95 में मेरे पास आई थी और वो लेक्चरर हैं भोपाल में यूनिवर्सिटी में, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से आप ग्रहों को बदल सकते हैं, उनका उपचार कर सकते हैं और जैसे भी चाहें आप अपने रास्ता निर्धारित कर सकते हैं। इसी तरीके से राजयोग के भेद जो हैं वो आप देख के अगर चाहें तो उसका फायदा उठा सकते हैं। राजयोग मैंने बताया, ये मोटे तौर पे मैंने ये बताया। अब अगर आपका कोई सवाल जनरल इंटरेस्ट का है, पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो मैं उसका जवाब दूंगा। पर्सनल सवाल मत पूछिए कि मुझे टीबी है और मुझे शुगर है तो मुझे अस्थमा है, इसका जवाब वो इस जगह पे देना संभव नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पे दर्शकों को आप सभी को बता दिया गया है कि आप सभी को पर्सनल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछने हैं और ज्योतिष से संबंधित, लेकिन हाँ अगर कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में पूछना चाहते हैं जो हम ऑलरेडी जिनके बारे में इतने दिनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप जल्दी से कॉल कर सकते हैं। नंबर आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं अपने पहले कॉलर से जो आपसे बात करना चाहते हैं। सुनील जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका, बताइएगा क्या पूछना चाहते हैं आप। गुरु जी प्रणाम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, ये पूछना था कि गुरु जी मेरे को जॉब रिलेटेड दिक्कत आ रही है। मैंने बीटेक किया है, एक साल हो गए अभी तक जॉब नहीं मिली। ट्राई तो करता रहता हूँ लेकिन नहीं मिलती वो जैसा सेटिस्फेक्शन। सुनील जी, मैंने शुरू में आपको बताया कि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है और इसके लिए डिटेल कुंडली के विश्लेषण की जरूरत होती है, जो इस जगह पे मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आम इंटरेस्ट का कोई सवाल होता तो मैं उसका जवाब देता, आपका जवाब मैं कुंडली की स्टडी के बाद ही करूंगा। इसके लिए आप मेरे कार्यालय से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं और आपको निश्चित रूप से मैं उसका उत्तर दूंगा।
चलिए आपने सुन लिया है सुनील जी, और यहाँ पे दर्शकों ऐसे ही सवाल अगर आप सभी के भी हैं जो कि बिल्कुल आप ही के पर्सनल इंटरेस्ट के हैं, तो आप कॉल मत कीजिएगा। आप इसके लिए ये नंबर्स पे कॉल कीजिए जो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन्स पर हैं, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लीजिए, कपानी जी से मिलिए, वो आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली किस प्रकार की है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बात करेंगे अगले कॉलर से, प्रेमलता जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका, बताइएगा। हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बात कीजिए बताइए। हाँ जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना था कि उसके कैरियर का कैसा रहेगा आगे। लगता है प्रेमलता जी आपने अभी ध्यानपूर्वक नहीं सुना, यहाँ पे अभी आप सभी को दर्शकों हम क्लियरली बता चुके हैं कि पर्सनल अगर क्वेश्चंस हैं तो आप पर्सनल क्वेश्चंस के लिए कॉल मत कीजिए, इसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लीजिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कुंडली के बारे में। लेकिन दर्शकों हाँ, एक काम आप कर सकते हैं, आप घर बैठे बिठाए जल्दी से स्वयं सिद्ध पुस्तक को मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जो आपको संपूर्ण ज्ञान देगी, आपको कुंडली के बारे में, जीवन के बारे में और साथ ही साथ आपके जीवन की दशाओं के बारे में सारी चीजें बताएगी, आपको बताएगी कि ग्रह किस प्रकार से कार्य करते हैं, ग्रह होते क्या हैं, कितने ग्रह होते हैं, क्या क्या उनमें होता रहता है। जैसे 12, आप सभी जानते हैं कि 12 घर होते हैं जिन घरों में ग्रह घूमते रहते हैं, और जैसे जैसे ग्रह अपना परिवर्तन करते हैं, घरों में अलग अलग घरों में जाते हैं, तो उसी प्रकार से दर्शकों हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में भी उथल पुथल चलती ही रहती है। अगर आप ग्रहों की उस दिशा को दशा को समझना चाहते हैं तो इसके